All right. So मैं आ गया हूँ अभी सेंटोसा आइलैंड पे दोबारा. ये वही आइलैंड है जहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो भी है. और उस दिन मैं यूनिवर्सल स्टूडियो से वापस चला गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था. तो आज मैंने सोचा कि आज यहाँ बीच पर आया जाए. और यहाँ पे रात को आफ्टर सनसेट दो शो होते हैं बहुत ज़बरदस्त वाटर फ्रंट पे, लेज़र लाइट शोज होते हैं. तो वो देखना है मुझे आज. तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे बीच पे अगर जगह हुई तो कहीं पे नहाऊँगा थोड़ा सा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, नहाने में मज़ा आएगा यहाँ पे, एज लॉन्ग एज बीचेज आर गुड. अदरवाइज व्यू करूँगा और यहाँ थोड़ा टाइम और स्पेंड करूँगा सनसेट तक. तो अभी बहुत टाइम है, 6-7 घंटे हैं. तो अभी आराम से यहाँ देखते हैं क्या कुछ हो रहा है. यहाँ रिजॉर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं, बहुत सारी एक्टिविटी है. तो लेट्स डू इट. आज मैं वॉक नहीं कर रहा, वॉक अवॉइड कर रहा हूँ मैं. और आज मैंने ट्रेन ली है. पहले मैं मर्लियन के उधर गया देखने, जो लैंडमार्क था शेर का, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो वहाँ पे पिक्चर नहीं दे सका लैंडमार्क की, क्योंकि वो बंद पड़ा है. तो वहाँ से मैंने फिर MRT ट्रेन ली हार्बर फ्रंट के लिए. और फिर हार्बर फ्रंट पे आके मोनोरेल ली सेंटोसा आइलैंड के लिए. वो अंदर सिर्फ सेंटोसा आइलैंड की अपनी मोनोरेल चलती है. तो वो लेके मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ. तो यहाँ देखते हैं कि ये बीच कैसा है, नहाने लायक है या नहीं है. लेकिन सिंगापुर काफ़ी हद तक मुझे दुबई की तरह लग रहा है, वेरी वेल मैनेज्ड यू नो. तो होपफुली इनके पास काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वॉशरूम्स वगैरह और शावर्स वगैरह होंगे इनके पास प्रॉपर. आप बाकी तो बीच पे जाके पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है. लेकिन ये यहाँ पे इनकी ये मेन पोर्ट भी लग रही है मुझे. सी के ऊपर काफ़ी शिप्स लगे हुए आके, सीम्स लाइक यहाँ पे काफ़ी पोर्ट एक्टिविटी भी हो रही है, कार्गो वगैरह की, कंटेनर्स वगैरह भी रखे हुए थे. स्कूल के काफ़ी सारे बच्चे आए हुए यहाँ पर, एज यू कैन सी बता रहे हैं. पलावा बीच, तो सिंगापुर काफ़ी तक फैमिली प्लेस है, स्पेशली बच्चों के साथ यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ बच्चों के साथ जो आप कर सकते हैं. और एक और बाजू आज मुझे पता चली वो ये कि मैकडॉनल्ड जो हैं पूरे सिंगापुर में वो सर्टिफाइड हलाल हैं. तो इट मींस कि मैकडॉनल्ड आप आराम से खा सकते हैं यहाँ पे. और मज़े की बात ये कि मैकडॉनल्ड का जो बर्गर है कॉम्बो मील, चिकन बर्गर, फ्राइज़ और कोक फाउंटेन ड्रिंक, वो सिर्फ $5.50 की है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई फूड मूविंग फॉरवर्ड. एक्चुअली सिर्फ एक मील ही रह गई है अब सिंगापुर में, बट आई ट्राई टू ईट मैकडॉनल्ड वन मोर टाइम. और मुख्तलिफ ऑप्शन है उसमें, लेकिन सबसे सस्ता है वो $5.50 का है. और बहुत सारे लोग मुझे पानी के अंदर नज़र आ रहे हैं इस वक्त, अंदर कूदे में. तो लेट्स सी, स्कूल के बच्चे भी अंदर गए हैं. सो इट मीन्स के नहा तो सकता हूँ. बच्चों के लिए बना हुआ है कोई जगह, राइड्स वगैरह लगी हैं. तो लेट्स सी, नहाते हैं ज़रा पलावा बीच पे, देखते हैं कैसा रहता है ये.
जगह ढूंढते हैं अपना बैग रखने की कहीं पे, और देखते हैं शावर्स वगैरह कहाँ लगे हुए हैं, उस हिसाब से फिर अंदर जाते हैं। Let's do it. Alright. So, मैं अभी बैठा हुआ हूँ सेंटोरा आइलैंड पे और स्विमिंग करके मैं फारिग हुआ हूँ, और मैंने अपना पड़ाव डाला है यहाँ पे नहा धो के, और मैं अभी अपने कपड़े सुखा रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा पॉइंट मिला है कपड़े सुखाने का, इन्होंने ये रोप्स लगाई हुई थी यहाँ पर, मैंने सोचा कि उस पर चलो कपड़े ही सुखा लें। और यहाँ दरख्त के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, अब धूप आ गई है लेकिन काफ़ी देर से यहाँ छाँव थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के, और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे मैं व्यू का, और बड़ी तफरी आ रही है यहाँ पे। एक्चुअली बीच में बनाना बोट चल रही है यहाँ, और बनाना बोट की चीज़ कुछ इस तरह से चल रही है कि उसमें से लोग गिरते हैं नीचे पानी में, तो देखना ये होता है कि कितनी जल्दी वो बोट के ऊपर चढ़ते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है लोग बनाना बोट में आ रहे हैं और गिर रहे हैं और उस पर कैसे चढ़ रहे हैं। तो मैं अभी यहीं पर हूँ, रात तक हूँ, कल की सुबह की मेरी फ़्लाइट है। तो या लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है बैठ के धूप में, और मैंने अभी जो है वो अपनी स्विमिंग कंप्लीट की है, और स्विमिंग के बाद यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है बैठ के धूप में, अच्छी हवा चल रही है, कपड़े सूख रहे हैं, गाने सुन रहा हूँ मैं बैठा हुआ, और अभी और भी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा मैं आइलैंड पे। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ मेरे पसंद की नहीं है यहाँ पे, जैसे म्यूज़ियम है और एक्वेरियम है, ये सब मैं मुझे पसंद नहीं है। पीछे मुझे एक मरियन नज़र आ रहा है यहाँ पे भी, तो देखता हूँ कि यहाँ मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, ये पेड सर्विस है, बट आई विल ट्राई टू गो देयर। तो लेट्स सी, अभी बनाना बोट आती है तो बनाना बोट पे मैं शूट करता हूँ। और ये ट्री देखें मेरे पास ऊपर, जो मेरा ट्री है बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है यहाँ ट्रीज़ के नीचे बैठ के, हवा चल रही है बहुत अच्छी, और यह टिपिकल आइलैंड वाली आबो हवा है, और बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी देखते हैं बनाना बोट आती है तो उसको कवर करते हैं, देखते हैं उसमें लोग कैसे करते हैं और कैसे चढ़ते हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और बनाना बोट आना शुरू हो गई है, दूर से पावर बोट उसको टो करके लाती है, और ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पर है, वो पीछे गई शिप के इस तरफ से आई कि निकल के। अभी करीब आती है तो फिर इसको शूट करते हैं सही से, अभी तो बहुत दूर है। स्ट्रेंज, ऐसा लग रहा है कि जैसे बनाना बोट शायद बंद हो गई है यहाँ, वो एक दो आई लेकिन वो वहीं दूर से ही चली गई हैं, यहाँ नहीं आ रही। आई थिंक वो जो दो बोट्स इनकी उल्टी हैं उसके बाद से शायद इन्होंने यहाँ पे उसको भेजना बंद कर दिया बनाना बोट को, क्योंकि यहाँ वेव्स हैं और वेव से वो गिर रही है, उलट जाती है और लोग गिर जाते हैं नीचे पानी में। खैर लोग लाइफ जैकेट पहने हुए होते हैं इसलिए डूबते नहीं हैं, लेकिन फिर भी डूबने का ख़तरा तो है। तो आई थिंक इस तरफ नहीं आ रहा, और वैसे भी बनाना बोट अब नज़र भी नहीं आ रही मुझे चलती हुई, कुछ मसला हुआ है शायद। एनीवेज कपड़े ऑलमोस्ट सूख गए हैं, तकरीबन सूख गए हैं, अब बस
को लपेटते हैं, शॉपर में डालते हैं, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है और होटल में कोई सुखाने की जगह है नहीं। यहाँ अच्छा है, धूप है, हवा है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, जल्दी सूख जाएंगे, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आप चलते हैं उस तरफ। ये जो पीछे मरलियन है इसको देखते हैं, ये शेर। वहाँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन था ये हार्बर फ्रंट पे, यहाँ देखते हैं कि इसका क्या चक्कर है, कोई जगह बनी हुई है। लेकिन आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट शो है वो है लाइट शो रात में, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ और अभी बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, वो कवर करना है यहाँ पे, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स सी, चीज़ें समेटते हैं, अब आगे चीज़ें कवर करना शुरू करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।